तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोग का मेरा और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का सिटी शॉप सिमुलेटर में एक बढ़िया सा अपडेट आ चुका है। ये वाला वही गेम है जो आप लोग को हम पहले वीडियो दिखाए थे, जो ओनली 50 MB के अंदर, अंडर 50 MB के अंदर इतना बढ़िया हाई ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। और इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो PC के साथ सिमिलर है, ठीक है। वही गेम में आज बढ़िया सा अपडेट आ चुका है। आज बताने वाले हैं गेम में क्या क्या आया है, नहीं आया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जुड़े रहो, उसके बाद वीडियो को ज़्यादा लाइक करो और चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं गेम में क्या क्या न्यू आया है। ऑल राइट दोस्तों, आ गए अपने सिटी के अंदर। तो सबसे पहला अपडेट तुम लोग देख सकते हो, जब भी अपना डे को एंड करोगे, दूसरा दिन में जाओगे, तो आप लोग को दिखाएगा कौन सा प्रोडक्ट का दाम बढ़ा है, कौन सा प्रोडक्ट का दाम कम हुआ है, ठीक है। जैसे देख सकते हो शुगर पाउडर का दाम अभी बढ़ा है, मतलब हम लोग को जाके शुगर पाउडर का दाम को और बढ़ाना होगा, नहीं तो हम लोग का लॉस होगा। ये हुआ सबसे बड़ा अपडेट। चलिए चलते हैं अपने शॉप के अंदर। अभी स्टार्ट द डे अभी नहीं करेंगे, अभी हम दिखाएंगे आप लोग को। ये है हम लोग का शॉप और ये है कुछ प्रोडक्ट। जैसे शुगर का दाम बढ़ गया है तो इसको हम जल्दी से बढ़ा देंगे, देखते हैं। देखो पहले रिकमेंड प्राइस 7.35 है, हम पहले इसको प्राइस सेट किए थे $5.0 में, जो हम परचेस किए थे $1.3। अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 7.35, मतलब इसको प्राइस को हमको हाई करना होगा, थोड़ा बढ़ाना होगा। तो कम से कम हम इसको $7.5 कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ सबसे बड़ा अपडेट इस गेम का, जिसमें हम लोग लेफ्ट साइड कॉर्नर में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर एक एरो का निशान है। तो तुम लोग हर दिन का तुम लोग देख सकते हो कौन कौन प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया है, कौन कौन प्रोडक्ट का दाम घट गया है, ठीक है। उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट का दाम सेट करना होगा, जो भाई एकदम PC ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो भाई देख सकते हो मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्ट है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है। और यहाँ पर जाके देखते हैं कुछ अपडेट में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ, वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। और जो मेन चीज़ भाई कंप्यूटर में अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ तुम लोग सुन सकते हो भाई, पता नहीं तुम सुन पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है। इस गेम में म्यूज़िक भी ऐड हो चुका है, जो एकदम पहले कोई म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं था, एकदम साइलेंट था। कस्टमर जब इन करेगा उसका भी म्यूज़िक है। हम स्टार्ट ऑफ द डे कर देते हैं, ठीक है। चलो हम स्टार्ट ऑफ द डे कर दिए, अब कस्टमर धीरे धीरे आएगा। और प्रोडक्ट में जाके देखते हैं कुछ नया प्रोडक्ट आया है कि नहीं, ये तो मेरा पुराना प्रोडक्ट है। और लाइसेंस में जाके देखते हैं, लाइसेंस में बहुत सारा लाइसेंस ऐड हो गया भाई, इसमें ज़्यादा लाइसेंस नहीं था। ओ भाई साहब, इसमें देख सकते हो 6 न्यू लाइसेंस ऐड हो गया, देख सकते हो। स्टोर लेवल 22 के बाद, 25 के बाद, 28 के बाद, 32 लेवल के बाद, 38 लेवल के बाद, भाई 6 न्यू प्रोडक्ट लाइसेंस ऐड हो गया है, जो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, जो मस्त लगेगा आप खेलने में। बिल वगैरह तो पहले से ही था अपग्रेड। अच्छा, बिल वगैरह मेरा आ गया है, इसको पेड करना होगा। अपग्रेड में देख सकते हो पहले हम लोग का हो सकता है तीन स्टेप तक था, अभी 6 स्टेप तक हो गया है, पता नहीं ऐसा था कि नहीं। मेरा हिसाब से 3 स्टेप तक अपग्रेड था, उसके बाद न्यू अपडेट के बाद 6 स्टेप तक हम लोग अपना शॉप को अपग्रेड कर सकते हैं। और स्टाफ में जाके देखते, ओ भाई साहब देख सकते हो इसमें कैशियर ऐड हो गया यार, पहले इस गेम में कैशियर नहीं था। अभी इस अपडेट के बाद इस गेम में कैशियर भी ऐड हो चुका है, जो हम लोग हायर कर सकते हैं $80 में डेली सैलरी के साथ। डेली इसको $80 पे करना होगा और हम लोग कैशियर को भी हायर कर सकते हैं। और स्टॉक में देख सकते हो इस वक्त तो पहले से ही था। तो गेम बहुत ही बढ़िया हो गया दोस्तों। और यहाँ पर आपके काउंटर में आप आइएगा, यहाँ पर जब स्कैन कीजिएगा, पहले स्कैन का कोई साउंड नहीं आता था, अभी स्कैन का साउंड भी आ रहा है। अभी आप लोग नहीं सुन पाए होगे, लेकिन गेम जब खेलोगे तब तुम लोग को पता चलेगा। कैश ड्रॉ जब खुलता है उसका भी साउंड आ चुका है, एकदम बोल सकते हो भाई PC जैसा कर दिया है उसका साउंड वगैरह सब कुछ। तो इस शेयर को देना होगा $9.50। तो $9 रिटर्न करना होगा, 5, 1, 2, 3, 4 हो गया 9.50। ओके देखिए, जब हम कैश उसको भाई रिसीव करेंगे उसके बाद भी एक साउंड आता है, जैसे दूसरा सुपरमार्केट सिलेंडर में आता है, ये भी साउंड ऐड हो चुका है। आप लोग जब खेलोगे साउंड में आएगा। ऊपर देखो नोटिफिकेशन भी आ रहा है, जो कस्टमर काउंटर में जब आ रहा है चेकआउट करने के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है, पहले ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता था। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। तो गेम धीरे धीरे दोस्तों बहुत ही बढ़िया हो रहा है, धीरे धीरे अपडेट के बाद गेम और भी अच्छा हो रहा है। और ई वाला जो अपडेट आया है, बस लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो एरो टाइप का निशान है, जो अपडेट आया है मस्त अपडेट आया है। हर डे हम लोग अपना प्रोडक्ट का दाम चेक कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट का दाम घटा है, कौन सा प्रोडक्ट का दाम बढ़ा है। उसके साथ आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो पेज टाइप का एक निशान है वो भी देख सकते हो, आप लोग का डेली का इनकम प्रॉफिट सब कुछ दिखाएगा, जो पहले नहीं दिखाता था। देख सकते हो एक नोटिफिकेशन आया, कस्टमर आ गया, वेटिंग कर रहा है चेकआउट करने के लिए, ये भी नोटिफिकेशन आ गया। तो मेरे हिसाब से गेम धीरे धीरे और भी बेहतरीन होता जाएगा। ई वाला गेम को डेवलप किया आप लोग जानते ही होंगे, ओशनिस होम, जो एक बढ़िया गेम है सर्वाइवल गेम, उसी गेम का डेवलपर ने इस गेम को डेवलप किया है। और ई वाला गेम वैसा ही गेम है जो 50 MB के अंदर बहुत बढ़िया भाई एकदम 3D ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। आप लोग अगर ई गेम खेलते हो प्ले स्टोर में जाके जल्दी से जाके अपडेट कर लो और गेम को एंजॉय करो। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ कल एक न्यू वीडियो में। तो आज के लिए गुड बाय।